हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कई लोगों को झंझट लगता है मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, लेकिन इसमें कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब पनीर लिया है और इसी के सेम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं। तो मटर यहाँ पे फ्रोजन मटर हैं ये, तो मैंने दोनों चीज़ों को, मटर को अच्छे से धो लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 प्याज, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, 2 टमाटर को कट किया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्ची ली है ये देखिए, और आप चाहो तो हरी मिर्ची भी ले सकते हो। 2 छोटी चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, और नमक लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने 2 छोटी चम्मच ही लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना। यहाँ पे ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। मटर पनीर की सब्ज़ी किसको पसंद नहीं होती, सबको बहुत पसंद होती है और सभी बड़े चाव से खाते हैं इस सब्ज़ी को। और ऑयल के गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर सभी खड़े मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा, सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटर पनीर की सब्ज़ी के अंदर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए, जो खड़े मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर गर्म मसालों को पकने के बाद में मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज थे हमारे, हमें बारीक ही कट करना है इन सभी चीज़ों को। तो ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज को थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेते हैं, प्याज का थोड़ा कलर चेंज होने देते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम करके और प्याज को अच्छे से फ्राई करना है हमें। प्याज थोड़े से फ्राई होने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे जो मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्ची ली है, वो डाल देंगे। आप चाहो तो हरी मिर्ची कट करके भी डाल सकते हो, बट मैं कट करके नहीं डाल रही। और हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, टमाटर भी हम अभी डाल देंगे, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेना है, गला लेना है अच्छे से, तभी हमारी जो पनीर की सब्ज़ी है उसमें ये प्याज टमाटर अलग अलग ना दिखें। इसीलिए मैंने प्याज को, टमाटर को, हरी मिर्ची को सबसे यहाँ पे डाल दिया है। और अब हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स, थोड़ा सा भून लेंगे इसको भी। लहसुन के पेस्ट से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हमारी सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सभी सूखे मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। और अब हम इन सभी मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ये देखिए। और अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, वो तो आपने देखा है। और गैस का फ्लेम कम करके हमें यहाँ पे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है और पका लेना है अच्छे से। अभी इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, सभी मसाले हमारे यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और गैस का फ्लेम कम करके हमें इनको भूनना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हैं वो थोड़े और भून जाएं, और जो हमने प्याज और टमाटर डाले हैं वो भी थोड़े से गल जाए, इसीलिए हमें पानी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके। और हम इसके अंदर और पानी डाल देंगे अभी, क्योंकि हम इसको पकाने वाले हैं अच्छे से। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन उठा के देखते हैं कि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ही बिल्कुल अच्छे से पके हैं, और पानी भी, पूरा पानी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी के डालेंगे, और पानी हम यहाँ पे इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर डालने वाले हैं मटर और पनीर, तो उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है, और पानी के थोड़ा सा हीट आने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे मटर, पनीर हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, मटर थोड़े से हार्ड होते हैं पनीर से, तो इसीलिए हम मटर को अच्छे से पकाएंगे। और पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और लगभग हमें यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, और मटर भी है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं हमारे, और बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनेगी हमारी अगर हम इस रेशियो से बनाते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर,
ये देखिए मैंने यहाँ पे पनीर बन डाल दिया है, और पनीर के पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, छोटे बड़े। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पनीर को भी, ये देखिए। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाएंगे, ताकि पनीर के अंदर सभी मसाले हैं वो अच्छे से जा सके। 2 मिनट के बाद में हम देखते हैं कि हमारी पनीर की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। कलर से ही अंदाज़ा लग रहा है कि हमारी पनीर की सब्जी कितनी टेस्टी बनी होगी। ये कि मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है हमारी ये मटर पनीर की सब्जी। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, और बनाना तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही आसान है इसको बनाना। बहुत ही आसान ट्रिक है मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने की। लास्ट में इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल 2 पिंच के करीब ही गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए थे, उसका फ्लेवर अच्छा है। तो अब हम गरम मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी शानदार बनी है हमारी मटर पनीर की सब्जी, बहुत ज़्यादा मस्त बनी है। बिल्कुल जैसे हम शादी पार्टियों में खाते हैं, बिल्कुल वैसी सब्जी बनी है हमारी। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है ये, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, हर कोई बना सकता है इस पनीर की सब्जी को। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।